बंदा आवाज सुना हटे तो स्ट्रोमिंग से हट जाए सामने से। अभिनव भाई चलाओगे कब तुम इसको? सारी चीजें जो है नो एक्स्ट्रा बटन, सब इससे ही कंट्रोल होगा। तो भाई अपन ने जैसा बोला था कि 2 लाख रुपए की एक्सेसरीज लगी है तो लगी है। भाई टाइम हो रहा है एग्जैक्ट कितना 11:30, धूप है बहुत ही तेज और ऐसी धूप में हम कराने चल रहे हैं बहुत ही जरूरी काम, यानी कि अपनी बाइक की एक्सेसरीज लगवाने। कल बाइक आई थी, सारी एक्सेसरीज मैंने पहले ही मंगा ली थी, बाइक के नीचे लोड कर दी मैंने, भी आपको दिखाता हूँ, कुछ स्टोर पे रखी हुई है तो वहाँ चल के लगवा लेंगे। तो नीचे चल के पहले आपको दिखाते हैं फिर पहुँचते हैं दुकान पे। तो ये आप देख रहे हो अपने दोनों प्यारे प्यारे बाइकें खड़ी हैं और ये देखो मैंने एक्सेसरीज लोड कर ली है। इसमें आपको जल्दी से बता देता हूँ, वैसे स्टोर पे चल के खोल के तो दिखाना ही है। तो जो ये जो नीचे है ये वॉन्डन यूज का अपर क्रैश गार्ड है, जैसे इसमें लोअर ये लगा है ना ऐसे ही ऊपर अपर आ जाएगा, बढ़िया पूरी प्रोटेक्टेड हो जाएगी। और ये है स्पैनियर्स के फ्रेम, तो अभी ये वाले पैनियर्स अपन खुला लेंगे फ्रेम और उसकी जगह जीवी वाले लगवा लेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं, बाकी दिखाते हैं चल के स्टोर पे चल के। इन बाइकों के यार स्टैंड से उतारना बहुत मुश्किल काम है, मैंने मेन स्टैंड लगा तो दिया था, उन्होंने एक ट्रिक बताई थी इसको यहाँ पैर रखना है और उसके बाद नाइस साइड स्टैंड लगा देते हैं फटाक से। सामान बहुत ज़्यादा लोड हो गया यार। ओ भाई गर्मी तो है रे बाबा, लेकिन अपन पूरा प्रोटेक्टेड है, इतना लोड कर ली ना सामान की पीछे बैठने की जगह ही नहीं रहेगी बाइक पे। हाँ नहीं बस मजे पूरे आ रहे हैं, आज अपनी बाइक में एक्सेसरीज भी लग जाएंगी, मतलब एक दिन पहले बाइक आई और पूरी एक्सेसरीज जो है वो लोड हो जाएंगी अपनी बाइक पे। तो अपन अभी जो चल रहे हैं वो है राइडर्स प्लैनेट स्टोर और ये दिल्ली में आता है घिटौनी में, मतलब ओल्ड दिल्ली गुड़गांव जो हाईवे है ना मैरोली वाला उस पर है। तो आई थिंक 25-30 मिनट में अपन पहुँच जाएंगे, 12:15 के आसपास उसने बुलाया था, तब तक तो अपन आराम से पहुंच जाएंगे। पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा जल्दी में पहुंच लेते हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि स्टोर 11 बजे खुलता नहीं, मैं तो सुबह पहुंच जाता हूँ जल्दी। इस बाइक की ना रियर व्यू मिरर यार उतने मज़ेदार नहीं है, मतलब होंडा CB500X बहुत अच्छे हैं। मेट्रो के यार पिलरों के नीचे चल रहा है, मेट्रो के नीचे तो मैं को बड़ा धूप से आराम मिल गया यार, ये चीज़ सही है। लो जी पहुंचने वाले हम अपने अड्डे यानी कि राइडर्स प्लैनेट और आज अपनी बाइक बन जाएगी जुगनू। लाइटें वाइटें लगवा के बिल्कुल चमकवा देंगे इसको। यस दिस इज इट। क्या गरम गरम हवा फेंकना स्टार्ट किया इसने। फाइनली अपना सारा सामान आ गया यहाँ पर, भैया लाइनअप कर दिया, मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ, बता तो मैं चुका हूँ। ये अपनी डेनाली की D4 लाइट्स हैं, प्राइस भी साथ साथ बताते जाते हैं। ये आई थिंक 37,000 रुपीज़ की हैं, दो एक है अराउंड 18,000 रुपये की। दिस इज़ द हेक्सकैन स्मार्ट चिप जो मैं आपको बता रहा था, ये लगाने के बाद बाइक पूरी स्मार्ट हो जाती है। ये कितने का? 23,000 रुपये का ना सर। दिस इज़ 25,000 रुपीज़। एंड ये है फोक सील कवर जो अपसाइड डाउन फोक्स होते हैं ना, USD फोक्स उनके कवर हैं। ये आई थिंक कितने के हैं ये वाले भैया? ये वाले 18,900। ये हैं ऑक्सिलरी क्लैंप्स, ये लाइट्स लगाने के लिए, क्या तो पता नहीं। ये आई थिंक 6,000 रुपये का ना, साइड स्टैंड इन लार्जर हैपको एंड बेकर, इससे साइड स्टैंड जो बड़ा हो जाता है। ये टैंक पैड है मोटो ग्राफिक्स का, ये ऊपर वाला है, मतलब साइड वाले जो हैं वो नहीं है, ऊपर वाला ही है अभी। और ये है अपने बाग बस्टर्स, तो ये बाग बस्टर का मेन फ्रेम है जो मेटल वाला होता है। ये मैं एक स्पेशल चीज़ लगवा रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं एम्बर कलर वाली लाइट है, ये LED के लिए लगती हैं इसके ऊपर, बट अपन इनको बनवाएंगे DRL। और ये मेरे को ग्रे कलर ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो अपन ग्रे पे जाएंगे, सो ग्रे वाला लेके मस्त जो है। तो इतना सारा सामान है, बाद में फाइनल कॉस्ट आपको बाद में बताएंगे, और जो बाइक पे लोडेड है वो तो है। तो बस काम स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में, तो भैया आ गए, थोड़ी देर में अपना काम बस स्टार्ट होने वाला है, ये सामान उतरेगा और एक एक करके एक्सेसरीज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। भैया खुशी बहुत ज़्यादा है। ये जो लाइट्स हैं इनकी जगह मैं डेनाली वाले लगा सकते हैं, ऐसा हो सकता है? क्योंकि मेरे को लग रहा है दिस इज़ द बेस्ट लोकेशन, जहाँ से बाइक भी अच्छी दिखेगी और व्यू भी अच्छा आएगा। लगाइए एक करके भाई कपड़े उतरते हुए बाइक के, क्योंकि इसमें जो वायरिंग डालनी है ना हेक्सकैन की, वो पूरा यहाँ से लेके अंदर से होते हुए जाती है, तो बिना खोले लग नहीं सकती। तो अभी जो है पहले बाइक पूरी खुलेगी एक साइड से, उसके बाद काम स्टार्ट होगा, और टिप टफ काम भाई खुद से नहीं हो सकता। CB500 मैंने खुद से सेट करी थी पूरी, बट इसमें आपको हेल्प चाहिए। तो उसके साइड पैनल्स यहाँ अंदर आगे रख गए,
बाइक वहाँ पूरी नंगी हो चुकी है बिल्कुल। अपनी पहली एक्सेसरी लग गई है, दिस इज हेपको एंड बेकर साइड स्टैंड लाचर, बहुत जरूरी चीज है भाई, झुक जाती है बाइक एक तरफ को पूरा। अब लगाएंगे अपन ये हेक्स कैन, इजी कैन, हेक्स इजी कैन, जाएंगे अपनी बोल भाई काफ़ी कुछ दे रखा है इसमें तो। अरे केबल भी है यार, एक बड़े हैं काफ़ी कुछ है इसमें अंदर। ये बाइक की स्टैंडर्ड इसमें सॉकेट में ही लग जाती है सीधा, तो ये जो है सीधा इसकी वायरिंग जो है इसमें लग जाएगी हेक्स कैन की बाइक के इसमें, और फिर उससे आप कंट्रोल कर सकते हो। अभी अपना इजी कैम लग गया है, देखो ये एक सॉकेट इसका जो है ना, दो सॉकेट है, एक बाइक वाले में लग गया और एक इधर लग गया, मतलब कि ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, वैसे लग गया समझ लो। और उसके बाद अब जो है ये कंट्रोल करेगा बाइक के इलेक्ट्रॉनिक्स को, स्पेशली लाइट्स को, हॉर्न्स को और इन सबको। इससे ना एक स्ट्रोक फीचर भी आता है, मतलब जब आप हॉर्न प्रेस करोगे ना तो जो लाइट्स लगेंगी डनली वाली वो भी ब्लिंक करेंगी, और आप लाइट्स की इंटेंसिटी कम तेज कर सकते हो 20%, 30%, और ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड होता है। ये है अपनी डनली S4 लाइट्स, काफ़ी बड़ी होती हैं ये लाइट। आपको अगर मैं इसका साइज़ कंपैरिजन दिखाऊं तो ये देखो बाइक की ओरिजिनल लाइट है जो ऑक्सिलरी लाइट है, और ये डनली S4 है एंड इट्स लुकिंग ह्यूज मैन, सीरियसली मज़ा आ जाएगा। इसमें देखो कि दोनों लाइटें अलग अलग टाइप की हैं, मतलब एक स्प्रेड है और एक बीम है। देखो अभी लाइट हमारी सेट हो गई है, अब आपको फीचर्स दिखाते हैं कि कैसे कैसे होगा। करो भैया आप एक बार, अगर मैं फ्लैश लाइट मतलब जो डिपर है ना उसको 3 बार करेंगे तो ये देखना चेंज हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से ना स्ट्रोबिंग होने लगेगी, और इफ़ वी गो फॉर इंडिकेटर तो ये बंद हो जाएंगे, जब इंडिकेटर देंगे तो ये बंद हो जाएंगे। ये देखो इंडिकेटर चलने लगा तो ये बंद हो गया। दिन में ये लो इंटेंसिटी पे चलेंगे, रात में ये ना फुल इंटेंसिटी पे आ जाएंगे ये, और अगर हम हॉर्न देंगे तब क्या होगा, तब भी ये स्ट्रोक करेंगे। तो यार मस्त से फीचर है ना, अपने आप बाइक के उससे ही सारा कंट्रोल हो जाएगा, नो एक्स्ट्रा स्विचेस रिक्वायर्ड, बस 25,000 रुपये की जरूरत रहेगी आपको ये लगवाने। बस अभी क्या अपना सारा कुछ सेट हो गया, लाइटिंग का सबसे मेन पार्ट था वो सेट हो गया, अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ रह गया कि वायरिंग चली जाएगी, उसके बाद अपन सब ये सब लगाएंगे, जब टैंक फिट हो जाएगा तब फिर ये फ्रेम रेम सब चेंज कराएंगे तब हो जाएगा। तो इस काम में तो ज़्यादा मतलब ऐसा टेक्निकल नहीं है, तो बस खोलना लगाना है। तो अपने क्रैश गार्ड इसके ऊपर जो लगने वाले हैं वो ये हैं, वॉन्डर ल्यूज पतंग जो भी बोलते हैं, मस्त से हैं, बड़ी क्वालिटी इनकी। ये क्रैश गार्ड लगेगा, उसके बाद लाइट लग जाएगी। अभी अपन ने ये लाइट जो है निकाल ली है ऑक्सिलरी लाइट, क्योंकि और कहीं ना लोकेशन सही बन नहीं रही थी यार बेहतरीन सी, यहीं पे बेस्ट फिटिंग भी आएगी और बेस्ट व्यू भी आएगा, और बाइक कभी मान लो गिर जाती है ना किसी चक्कर से तो लाइट कोई इंपैक्ट नहीं, एब्सोल्युटली सेफ। और इनका यार फोकस ना मतलब ऐसा ही है, और ये BMW में 80,000 रुपये की है भाई। मजाक ये देखो, मतलब 80,000 में एक लाइन मिल रही है सामने से, सामने वाला इंजॉय कर रहा है कि यहाँ कुछ चल रहा है, हमें कुछ नहीं दिखता। गजब लूट मचा रखी इन लोगों ने। ये लाइट आपको दिखाएंगे बाद में, मस्त सी चीज़ लगवाई मैंने एक, ये देखो आप ये लाइट लगी बेहतरीन, और ये जब जलेगी ना तब दिखाएंगे आपको कैसी जलती। और ये एक्चुअली में अच्छा लग रहा है यार ये कलर, दिस इज़ गोइंग बेटर ना, पूरा काला हो जाता है तो उतना मज़ा नहीं आता। तो अभी क्या है अपने को ना थोड़ा ज़रूरी काम है, अपन जो यहाँ से निकलते हैं और तब तक बाकी काम भी हो जाएगा और अपन काम निपटा के आ जाएंगे। भाई अपन जा रहे हैं अभी वापस अपनी बाइक लेने, टाइम हो चुका है 19:10 यानी कि 7:10 रात का, और अपने साथ आ चुके हैं मिस्टर विनय कौशिक, जो कि हमारे डिलीवरी वाले व्लॉग में लापता थे क्योंकि ये कहीं विदेश भ्रमण करने गए थे। तो भैया विनय को बाइक दिखाएंगे चल के, और विनय बिल्कुल लोडेड बाइक देखे, मेरे को भी बहुत एक्साइटमेंट है कि मतलब अब तक क्या हो चुका होगा उसमें, रेडी हो चुकी होगी बिल्कुल। काफी टाइम लग जाता भाई, मैं 12 बजे सुबह पहुंच गया था, 7 बज गया, पूरा दिन निकल गया, शक्ल देख रहे हो कैसी हो गई। अभी भी अपनी बाइक में काम चल रहा है, हाउ इट लुक्स विनय, विनय पहली बार हमारी बाइक देख रहा है, सही लग रही, अभी थोड़ा और चमक जाएगी तब दिखाएंगे। ये देखो जो लास्ट पार्ट रह गया था वो भी आ गया हमारा चिवी का, ये इसके ऊपर लगेगा अपना टॉप बॉक्स, बढ़िया अच्छा देखो छतरी बाइक में बिल्कुल फाइनल टच होता हुआ, पैनियर फ्रेम लग गए हैं, हालांकि अभी भी मैं बोलूँगा मेरे को वो स्टेनलेस स्टील वाले ज़्यादा पसंद थे BMW के, बट दे आर ऑल्सो लुकिंग कूल, अच्छे लग रहे हैं मेरे को, अच्छे लगे ठीक है। अभी विनय लाइट की कलाकारियां दिखाएंगे ना, तो मैं जुगनू बनाई आज, बिल्कुल अच्छे
अब आ गया खर्चे का टाइम। अभी तक तो बाइक में मजे आ रहे थे, अब पैसा देना है। टोटल बिल कितना है? एक लाख बारह हजार दो सौ अट्ठासी प्लस 4000, तो 1,16,000 रुपए का ये बिल बना है। उसका जो मैं सामान लेके आया था वो सब अलग है, चलो बताएंगे आपको वो तो बाद में। एनीवेज पे कर दो फिर इसको। अभी बाइक में सिर्फ लास्ट काम हो रहा है, हेडलाइट जो लगे हैं अपने ऑक्सिलरी लाइट्स उनका एडजस्टमेंट चल रहा है। उसके बाद बाइक अपनी बिल्कुल चौकस एंड रेडी निकलने के लिए। क्या लग रही है भाई, टेल लैंप मैंने आज पहली बार देखी है, बड़ी सही लग रही है देखने में। चलिए आपको आखिरी दर्शन अभी थोड़ी देर में करवाएंगे, यहाँ थोड़ा रेडी करवा लें इसको जरा। अब आपको दिखाते हैं फाइनल लुक इसका। विनय बाबू ऑन द बोर्ड। ये देखो भाई, ये अपनी बाइक का फाइनल लुक, परफॉर्मेंस बाद में दिखाएंगे। पार्क बस्टर्स क्या सही लग रहे हैं भाई देखने में, कसम से। आप बता रहे क्या क्या लगाया पहले? ये चली इसकी ऑक्सिलरी लाइट, और यहाँ आपको दिख रहे होंगे क्या बढ़िया ऑरेंज एम्बर कलर के परमानेंट लाइट्स, ये चेंज भी हो जाते हैं। और ये लाइट की इंटेंसिटी कुछ ऐसे चेंज होती है, तो लाइट ओ ये। और जब टर्न इंडिकेटर दूंगा तो ये लाइट बंद हो जाएगी, जब हजार चलाऊंगा तो कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस आएगी लाइट की, जब ऑन दबाऊंगा तो भी ये स्ट्रोब करेगी। और ये लाइट मैं क्लोज भी कर सकता हूँ, लाइक इनकी इंटेंसिटी भी चेंज कर सकता हूँ। लाइक अभी देखो लाइट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा कम ज़्यादा, तो इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, सारी चीज़ें जो हैं नो एक्स्ट्रा बटन, सब इससे ही कंट्रोल होगा। आपको जो कुछ भी चेंज करना है सारा BMW के ओरिजिनल बटन से ही चेंज होगा। ये फ़ायदा है स्कैन स्मार्ट का, मस्त ये लाइट देखो आप, इतनी सही लग रही है, दिख रही है बेहतरीन। मतलब अब ये व्यू देखो बाइक का, ओ मैन क्या सही लग रही है। और मैंने बाबू चलाओगे कब तुम इसको? रिस्क नहीं लेने का भाई। एक बात मैं बोलूंगा, गगन भाई ने जो आज काम किया है ना दिल लगा के 9 घंटे पूरा। एंड भाई आपका नाम क्या है? अमन। अमन ही स्मॉल बट वेरी वेरी स्मार्ट भाई, इसको पता रहता है कौन से छेद में कौन से नंबर का पाना लगना है, कौन सी बोल्ड लगनी, सब पता रहता है इसको। तो स्मार्ट बंदे हैं। और थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया काम किया आपने, दिल खुश हो गया भाई। किसी को अगर बाइक्स स्पेशली बड़ी बाइक्स में ना आपको कुछ इंस्टॉल वगैरह कराना है ना भाई, दिस इज द प्लेस, आप आ सकते हो। मतलब मैं तो आया था सुन के, लेकिन आज मैंने देख भी लिया, काम बहुत ही बढ़िया। सोचो मैं अंदर बाइक क्रुसेड लाया हूँ, इतना सपोर्ट है यहाँ पे लोगों का। बीमर बाहर आ जाए फिर लेके चलते हैं इसको, अंदर से हम निकाल नहीं पाएंगे। एक ही दिन में अपनी बाइक बिल्कुल रेडी हो गई फ्रॉम थ्रू टू थ्रू। चलो सर बाय बाय, अब आएंगे मजे इसको चलाने में। लाइट तो चंगी है भाई, ये देखो हाई बीम में इसकी परफॉर्मेंस है, ये लो बीम में दिस इज ऑन हाई बीम। क्या भागे भाई, अब तो प्रोटेक्टेड भी है बाइक। हॉर्न रह गया यार, हॉर्न नहीं आ पाया, मंगा रखा है बट डिलीवरी नहीं हो पाई उसकी, स्टोर पे था नहीं तो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, नहीं तो हॉर्न भी लगा देते। अभी देखना, क्या बात है। बंदा आवाज़ सुना हटे तो स्ट्रोबिंग से हट जाए सामने से। क्या मस्त फीचर है भाई, मजे से आ रहे हैं देख के। चलो विनय बाबू ठीक है, कल मिलते हैं, अपन चलते हैं अपने घर, सोते हैं यार, कल जाना है राइड पे। ये कुछ अपनी आ गई बाइक, गंदी हो रखी है क्योंकि पिछले 2 दिनों से आप देख रहे हो गुड़गांव में सिर्फ और सिर्फ बारिश हो रही है। ये देखो है ना, तो नई बाइक की पूरी जो है मट्टी पलीत हो गई है। एनीवेज आप लोग थंबनेल देख के बोल रहे होगे 2 लाख रुपए की एक्सेसरी लगवा ली, कहाँ लगवा ली 2 लाख रुपए की, तो मैंने कहा आपको अच्छे से डिटेल में बता देते हैं, कल रात हो गई थी तो अच्छे से दिखा नहीं पाया था। तो राइडर्स प्लानेट स्टोर का जो अपना बिल आया वो आया 1,16,000 रुपीस, और उसमें जो चीज़ें इंक्लूडेड हैं एक बार आपको दिखाते हैं, मेरा लाइट जले। तो उसमें सबसे पहले इंक्लूडेड है लाइट्स, मैं प्राइस बता देता हूँ फिर से, दोनों लाइट्स मिला के 37,000 रुपीस की हैं, पार्क बस्टर्स अराउंड 13,000 रुपीस की हैं, और ये जो लाइट ऊपर लगी ना पार्क बस्टर के, ये 6,100 रुपीस की है ठीक है। उसके बाद जो है ये साइड स्टैंड इन लार्जर लगवाया मैंने, ये 6,000 रुपये का है,
अंदर लगा कैन स्मार्ट जो आपको दिखाया था, जो बाइक के लाइट्स को कंट्रोल कर रहा है, वो है 25,000 रुपये का। ये है वो फोक सील कवर्स, ये देखो, तो ये अराउंड 1,800 रुपये के हैं। ये टैंक का स्टिकर, ये अराउंड 5,000 रुपये का है। उसके बाद जीवी की ये बैक प्लेट जिस पे अपना टॉप बॉक्स बैठेगा, ये जो नॉर्मल बैक प्लेट है उसके ऊपर ये लगी, इसके ऊपर जीवी वाला टॉप बॉक्स आराम से लग जाएगा। उसके अलावा इसमें जो अंदर केबल्स लगी हैं वो भी डेनली की लगी हैं, अराउंड 4,000 रुपये की केबल्स हैं। और जो टोटल इंस्टॉलेशन कॉस्ट था वो वहाँ 6,000 रुपये था। तो कुल मिला के इन सब चीज़ों का जो बिल है वो अराउंड 1,16,000 रुपये है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो कुछ और लगा होगा, मेरे को याद नहीं है। 1,16,000 रुपये का वहाँ पे बिल बना। उसके बाद आपको बताता हूँ, ये जो मैंने खुद मंगाए थे जीवी के पैनियर फ्रेम्स, ये हैं 26,000 रुपये के। उसके अलावा ये वॉन्डर लिस्ट का जो टॉप क्रैश बार है, ये देखो, ये मैंने मंगाया था 33,000 रुपये का। तो ये मैंने अलग से खुद से मंगाया था, फिट उनसे ही करवा लिया, वो 6,000 रुपये में ही सारा कुछ फिट हुआ। तो ये जो है ये 33 और ये 26, तो टोटल जो कॉस्ट बनी 1,75,000 रुपीस। अब आप कहोगे ये भी 2,00,000 रुपये नहीं है। तो मैंने सोच समझ के बोला है, अभी इस GPS माउंट के ऊपर फ़ोन नहीं लगता है, तो इसके ऊपर अपन एक BMW का क्रैडल लगवाएंगे, उस क्रैडल के ऊपर अपन फ़ोन लगाएंगे मैप देखने के लिए, मतलब फ़ोन यूज़ करने के लिए, मैप चलाने के लिए, और उसकी कीमत आती है 23,000 रुपये। तो वो भी फर्स्ट सर्विस में जो अपन जाएंगे तब लगवा लेंगे, क्योंकि दिल्ली जाना बार बार पॉसिबल नहीं है। मैंने ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी, वो लग जाएगा 23,000 रुपये। तो हो जाता है बिल अपना 1,98,000 रुपीस, 1,98,000 रुपीस। और उसके बाद अपन ने एक डेनली का साउंड बॉम्ब मिनी हॉर्न भी ऑर्डर कर रखा है, जो कि है 3,700 रुपीस का। उसके साथ एक केबल अडेप्टर भी लगाना पड़ता है, जो कि है 2,000 रुपीस का। तो 5,700 रुपीस का एक्स्ट्रा बिल अभी और आएगा, तो वो 2,00,000 रुपये के ऊपर चला गया। तो भाई अपन ने जैसा बोला था कि 2,00,000 रुपये की एक्सेसरीज लगी हैं, तो लगी हैं। अब बाइक जो है अपनी बिल्कुल टूरिंग रेडी, जिसको बोलते हैं। एक्चुअली बात पैसे की नहीं, मेरा एम ये था कि बाइक मेरे को जैसे दिखनी चाहिए ना, मतलब बिल्कुल लगे कि हाँ मस्त, दिल खुश होने वाली बात जो होती है ना, वो काम अच्छे से होना चाहिए, बाइक बिल्कुल बाद में लगनी चाहिए कि हाँ अच्छी हो गई, और सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो यूज़ में आए। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स आप बोलोगे कि मैंने कैन स्मार्ट क्यों लगाया, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ये सब, तो इसका कैन स्मार्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, हेक्स कैन जो है दोनों मतलब एक ही है, एक रैली बनाता है एक हेक्स कैन बनाता है, कि इससे वारंटी वॉइड नहीं होती, आपका सारा इलेक्ट्रॉनिक्स ना सेफ रहता है इसमें, मतलब आप कुछ भी कर लो ये शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता, इतना प्रोटेक्टेड होता है इसका सर्किट, तो आपकी वारंटी वॉइड नहीं होती। पूरे ग्लोबली BMW में ये चीज़ यूज़ होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इतनी महंगी बाइक BMW का आपको भी पता है कि सर्विस एंड स्पेयर्स बहुत महंगे हैं, अगर कुछ हो गया ना भाई जब बंदे लग जाने, तो सारा काम अच्छे से कराया, सो दैट पीस ऑफ माइंड रहे, कहीं भी जाएँ तो कोई टेंशन ना हो, कोई वायर कट नहीं, कुछ नहीं, सब बिल्कुल सर्किट मस्त, बिल्कुल जिसको बोलते हैं। तभी अपनी बाइक पूरी टूरिंग रेडी हो गई है, कभी कहीं भी पैनियर लगाओ, कुछ भी लगाओ, कहीं भी चलाओ, बागबस्टर लग चुके हैं, क्रैश गार्ड लग गया, बिल्कुल प्रोटेक्टेड जिसको बोलते हैं। अब बस एक चीज़ रह गई है, वो है इसका नंबर प्लेट आना, और नंबर आना, अभी तो नंबर ही नहीं मिला इसमें परमानेंट, तो अपन अभी इंतज़ार करेंगे जब नंबर प्लेट आ जाएगी और नंबर आ जाएगा, मतलब परमानेंट रजिस्ट्रेशन जब इसका हो जाएगा, तब इसको अपन ले चलेंगे भयंकर राइड पे, क्योंकि ऐसे मतलब टेम्परेरी नंबर पे बहुत दूर जाना मतलब सेफ नहीं है, तो अपन वेट करेंगे, और अभी तो नंबर आया भी नहीं, एटलीस्ट डिजी लॉकर में नंबर आ जाए, उसके बाद अपन जो है इसको ले चलेंगे राइड पे। तो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, लेकिन कहीं खतरनाक तो जा सकते हैं। कल ही हम लोग इसको जो है एक बेहतरीन, आज ही जाना था बट बारिश हो रही, तो कल अब हम लोग एक बेहतरीन जगह इसको ले चलेंगे, और वहाँ आपको मज़े आ जाएंगे उस राइड पे, तो उस राइड का आप इंतज़ार करो। ठीक है, ये कुछ एक्सेसरी का ब्लॉग था। बहुत सारे लोगों ने मेरे से बोला था कि जब आप एक्सेसरीज लगवाना तो उसका ब्लॉग जरूर बनाना और अच्छे डिटेल में बताना। कहीं ना कहीं मेरा एस्टिमेशन था कि 2,00,000 रुपये के आसपास मेरा ऊपरी खर्च होगा, तो बाइक अपन को भी पड़ गई है 18,00,000 रुपये की, मतलब थोड़ा सा बजट ओवरशूट हो गया, बट कोई ना, मैनेज कर लेंगे। तो ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा और साथ ही साथ आपको मज़े भी आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, एंजॉय।